हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, यार आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जैसा कि आप लोगों में से बहुत ही सारे बंदों ने कमेंट किया था कि यार अपना की मैपिंग दो और साथ ही में अपना सेंसिटिविटी और सेटिंग्स बताओ कि तुम कौन से सेटिंग्स पे खेलते हो, कौन सा की मैपिंग पे खेलते हो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पूरा फुल्ली की मैपिंग जो मैं यूज़ करता हूँ उसका 1v1 की एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो यार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है और आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि ये सब मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ पूरा फुल्ली की मैपिंग, सेटिंग, सेंसिटिविटी, वो आप लोगों का जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करो, पांडा माउस प्रो यूज़ करो या फिर ऑक्टोपस यूज़ करो, क्योंकि मैं इन सभी का भी डिटेल आप लोगों को ऑक्टोपस एप्लीकेशन के अंदर ही देने वाला हूँ, बट ये सभी एप्लीकेशन में वर्क करेगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों में से बहुत ही सारे बंदों ने मुझे कमेंट किया था कि ऑक्टोपस एप्लीकेशन के अंदर जब मैं प्ले करता हूं तो मेरा जो की मैपिंग है वो सेव नहीं होता है, और साथ ही में यहां पे जब की मैपिंग सेव नहीं होगा तो आपको है वो की मैपिंग जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला बहुत ही हार्ड लेवल का की मैपिंग है तो वो आप लोगों को इसमें बार बार करना पड़ेगा की मैप। तो यार सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि आपका कैसे गूगल प्ले से लॉग इन, तो यार कोई हाल में होगा नहीं। बाय द वे यहाँ पे सेव की मैपिंग एकदम 100% वर्किंग है और साथ ही में प्रो की मैपिंग भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। लेकिन यार अभी ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि अभी तक जितने भी बंदे अभी देख रहे हो वीडियो, यार उसमें से 87% बंदे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। यार क्या कर रहे हो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि 100K के बहुत ही ज़्यादा करीब है हम लोग, तो आप लोग सपोर्ट करो और 100K जल्द से जल्द करवा दो। तो यार सब्सक्राइब करना भी बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो यार वीडियो जो आप लोग देख रहे हो उसको लाइक कर दो और साथ ही में नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर दो टैप करके, और साथ ही में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाओ। बाय द वे यहाँ पे मैं इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख के ऑक्टोपस को इंस्टॉल कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना माउस एंड कीबोर्ड को कनेक्ट कर लेते हैं। बहुत ही सारे बंदों में ये भी प्रॉब्लम आया था कि माउस कीबोर्ड कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, कल ही मैंने बनाया है, तो उसका भी ऊपर आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन में दे दूंगा, तो उसे भी आप लोग वॉच जरूर कर लेना। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने माउस एंड कीबोर्ड को भी कनेक्ट कर लिया और साथ ही में अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स के बारे में आ जाते हैं। तो यही रहा मेन पॉइंट, सेंसिटिविटी आप लोग यहाँ पर देखो कि एकदम जीरो करके रखना है। ओके, जितना भी सेंसिटिविटी है एकदम जीरो रखो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ही हाई लेवल का सेंसिटिविटी होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग जो कंट्रोल देख रहे हो, कंट्रोल में आप लोगों को सबसे पहले तो मैं कीबोर्ड पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा ये कंट्रोल है, बट यहाँ पे कंट्रोल कौन देखता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले ग्राफिक या फिर जो कुछ भी है वो आप लोग अपने हिसाब से रख लो, बट यहाँ पे की मैपिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। और अभी जो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो कि कस्टम लेआउट मेरा कुछ है ऐसा है, एंड साथ ही में अगर की मैपिंग के बारे में हम लोग बात करें तो मैंने इसमें ऑलरेडी की मैप किया हुआ है, बट यहाँ पे मैं इन सभी की मैपिंग को रीसेट करने वाला हूँ। बाय द वे यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को बताया कि प्रो लेवल का की मैपिंग वाला जो फीचर है इसमें कैसे आप लोग यूज़ करोगे, उसके लिए आप लोगों को मैंने जो वीडियो रिकमेंडेड किया उसे आप लोग जरूर से ज़रूर वॉच कर लेना। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक और की मैप चूज कर लिया एंड उसके बाद यहाँ से मैं इस की मैपिंग को पूरा फुल्ली रीसेट करने वाला हूँ एंड रीसेट करने के बाद आप लोगों को A to Z स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो अभी मैंने पूरा फुल क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है वो भी ब्लैक हो गया, देखो अभी जो मेरा माउस का कर्सर है वो ब्लैक है, बट इसको आप लोग ब्लू में कैसे कन्वर्ट करोगे जिससे आप लोगों का 360 रोटेट भी करेगा, तो इसके लिए आप लोगों को एक की मैप यूज़ करना है जो साइड वाला है, SIGHT। ओके, जैसे आप लोग इसको एकदम खाली जगह पे रखो जहाँ पर आपका कोई भी की नहीं है, तो यहाँ पर अभी देखो ये मेरा जो माउस का कर्सर है वो ब्लू कलर का हो गया। तो ऐसे ही करके आप लोग भी अपने माउस का कर्सर को ब्लू कर पाओगे, एंड कुछ एक फ़ोन है जिसमें ये माउस का कर्सर ब्लू नहीं होता है जो रूटेड डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ मैं की मैपिंग फटाफट से ऐड कर लेता हूँ एंड उसके बाद कहाँ कहाँ की मैप यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो रिलोड वाले बटन पे R को रखना है और RR रखना है, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोग ग्लूबल को लगाते हो उसके बाद जब एक बार ही R को टैप करोगे तो आपका वेपन स्विच हो जाएगा और साथ ही में आपका ग्लूबल भी हट जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही अमेजिंग फीचर रहता है। एंड वेपन 1 के लिए आप लोगों को Q यूज़ करना है
और साथ ही में वेपन 2 के लिए 2 यूज़ करना है और वेपन 3 के लिए 3 यूज़ करना है, ओके। एंड साथ ही में मैं आप लोगों को इसमें अभी कुछ की मैप बताऊंगा एंड उसके बाद गेम के अंदर भी आप लोगों को कुछ की मैप बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जब आप लोग लूट करते हो तो वहाँ के लिए FGH रखना है, वो भी एकदम एक साइड से, जैसा भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। बस मैं जैसा की मैप कर रहा हूँ वैसा ही आप लोग भी कर लो। उसके बाद मैं आप लोग ये सब प्रैक्टिकली करके भी गेम के अंदर जाके भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे यूज़ है उसके लिए वाई रखो, क्योंकि मैं वाई यूज़ करता हूँ। यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मैं बात कर लेता हूँ इसके लिए स्कोप के लिए, स्कोप अभी छोड़ने देते हैं और यहाँ पे अभी रखते हैं जंप के लिए स्पेस एंड साथ में यहाँ पे क्राउच के लिए सी, मतलब एक बैठने के लिए। एंड साथ ही में यहाँ पे एक और मैं रखने वाला हूँ लेफ्ट ALT, देखो यहाँ पे लेफ्ट ALT भी इसमें रखने वाला हूँ और इसका क्या यूज़ है वो भी मैं गेम के अंदर बताऊँगा, ओके। और एंटर से रिवाइव करने का मैं बता देता हूँ एंड साथ ही में यहाँ पे जेड से रख देता हूँ सोने के लिए। और साथ ही में यहाँ पे जेड तो ऐसे अक्सर कोई यूज़ करता नहीं है बट फिर भी कभी कभी ये वर्क करता है, ओके। तो यहाँ पे 5 से जो आपका कैरेक्टर स्किल है उसको ऑन करने के लिए और साथ ही में ई बटन यहाँ पे रन करने के लिए आप लोग यूज़ करो, जिससे बहुत ही अमेजिंग आप लोगों का की मैप लगेगा। और साथ ही में यहाँ पे अभी मेरा कुछ की मैपिंग तो हो गया बट यहाँ पे 6 के डबल वेक्टर के लिए रख लो। अब हम लोग माउस 2 का की मैप करेंगे, इसके लिए आप लोगों को सेटिंग में जाना है और यहाँ पे भी अभी इस वीडियो में देख लो एकदम जीरो है बट यहाँ पे शूटिंग शूट मोड शॉर्टकट वाला जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पे माउस 2 ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है बट यहाँ पे आप लोगों को माउस 2 नहीं रखना है। आपका कीबोर्ड का जो रूपी वाला की होता है वो यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इससे आपका जो माउस का 2 बटन है वो एकदम फ्री हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग माउस 2 कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो बट मैं तो रिकमेंड करूँगा कि माउस 2 से यहाँ पे आप लोग ग्लूवॉल को यूज़ करो, क्योंकि फ्री फायर में ग्लूवॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और ग्लूवॉल लगाने के लिए माउस 2 मुझे बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा। और जो दूसरा और एक और माउस 2 रख के यहाँ पे क्राउच बैठने वाले ऊपर रख देना, ओके। अब यहाँ पे CTRL, तो यहाँ पे CTRL से बैकपैक के लिए रख लो और यहाँ पे कैसे बंद करना है वो भी बताऊँगा। X से मेडिकिट और साथ ही में 4 से भी मेडिकिट, क्योंकि 2 मेडिकिट का भी यूज़ मैं बताऊँगा कि कौन से की कहाँ पे यूज़ करना है, ओके। तो गेम के अंदर बताऊँगा। तो यहाँ पे अभी इतना की मैप तो हो गया, तो समथिंग मुझे लगता है कि अब सारा की मैपिंग यहाँ पे हो गया कंप्लीट। बट अभी देख लेता हूँ कुछ की मैप तो बचा नहीं, तो यहाँ पे अभी इमोट वाला रख देते तो इमोट से मैं 0 रख देता हूँ। एंड सबसे मेन तो यार WADS तो भूल ही गया, तो यहाँ पे कैंपस या कंपास जो भी है उसको WADS से यहाँ पे अलोंग पे रख देना है। तो ये भी बहुत ही ईजी है, बस उसके बाद यहाँ पे हो गया अपना सारा की मैपिंग सक्सेसफुल्ली डन। तो यहाँ पे अब फायर बटन रह गया, तो मैं उसको भी गेम के अंदर बता दूंगा कैसे ऐड करना है फायर बटन को। अब यहाँ पे की मैपिंग, तो यहाँ पे ऑर्डर वाला जो की है उस पे आप लोगों को अपना इमोट को रखना है, जब एक ही की से आपका वर्क कर जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो 3 नंबर है उसको कर देना है कट और जो फर्स्ट वाला है मैंने V को टाइप किया है इमोट के लिए, तो अभी V रख लो। एंड उसके बाद 1 को रखना है इमोट वाले सेक्शन पे, दूसरे को रखना है इमोट जहाँ से लगाते हो वहाँ, ओके। एक और ले लेना है ऑर्डर की और साथ ही में यहाँ पे 1 को रख देना है इमोट वाले सेक्शन पे और दूसरे को रख देना है अपने दूसरे इमोट के सेक्शन पे, ओके। तो मैं इसको नीचे वाले पर रखना चाहता हूँ, तो चलो यहाँ पे मैंने इसको की मैप भी कर लिया। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ से सारा की मैपिंग हो गया, तो अब चलते हैं डायरेक्ट गेम के अंदर और इसको प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को करके बताता हूँ कि कौन सा की कहाँ पे वर्क करेगा और कौन सा की कितना प्रो लेवल है, ओके। तो यहाँ पे मैं आ गया गेम के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अभी कुछ की को और ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैप के लिए, ओके, तो M से आप लोग मैप को यूज़ करो, ओके। अब मैं यहाँ से इसको पहले डन करता हूँ, मैप को ओपन करता हूँ। अब मैप को कट करने के लिए फिर से M यूज़ करो, ओके। जहाँ पे यहाँ पे बैक है वहाँ पे भी M को सेलेक्ट कर लो, तब यहाँ पे आपका एक ही M से देखो ये मैप खुल भी जाएगा और मैप बंद भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को CTRL मतलब जो बैकपैक के लिए है वो भी यूज़ करना है। सबसे पहले बैकपैक को ऑन कर लो, अब जहाँ पे कट वाला सेक्शन है वहाँ पे भी CTRL जो यूज़ किया था वही यहाँ पे भी रख देना है। तो एक की से ही आपका ये बैकपैक ओपन एंड क्लोज दोनों हो जाएगा। तो अभी देखा आप लोगों ने कितना ईजी है ये सब स्टेप। एंड उसके बाद ई से तो आप लोग रन करोगे ही करोगे, वो भी एकदम अमेजिंग वर्क कर रहा है। एंड अभी यहाँ पे फायर बटन, तो फायर बटन के लिए आप लोगों का यहाँ पे फायर वाला ऑप्शन है,
तो वो की को यहाँ पे रख के आप लोगों को फायर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर देना है, वहाँ पे एकदम एडजस्ट कर देना है, तो आपका फायर बटन भी एकदम अमेजिंग वर्क करेगा। अब यहाँ से देखो अभी इमोट वाला सेक्शन है, वो भी एकदम एक ही की से एकदम अमेजिंग वर्क कर रहा है। तो अभी यहाँ पे BNL बनना तो यार रह गया, मतलब बैठ के हेडशॉट लगाना, तो इसके लिए आप लोगों को एक दो की और परे लगने वाली है, वो है टैब। तो यहाँ से सबसे पहले टैब को यूज़ करो और फर्स्ट वाले को थर्ड वेपन पे रखो और दूसरे वाले टैब को यहाँ पे बैठने वाला जो क्राउच वाला ऑप्शन है वहाँ पे रख दो। ओके, तो ये हो गया अपना BNL, मतलब लाइक BNL प्रो लेवल का की मैपिंग। तो अभी देखो ये मैं फायर भी कर रहा हूँ, साथ में बैठ के भी भाग रहा हूँ, देख रहे हो मतलब कितना अमेजिंग हेडशॉट भी लगता है और साथ ही में प्रो लेवल का फीलिंग आता है। तो यहाँ पे ऐसे ही करके आप लोग भी एकदम इमोट भी लगा सकते हो और साथ ही में कुछ मैंने सेटिंग्स भी बताया, उन सभी को आप लोग यूज़ करोगे तो एकदम 100% प्रो लेवल का अखंड प्रो बन जाओगे। तो अभी यहाँ पे देखो कि जब क्लैश कोड हो गया तो इसमें आप लोग गन को परचेस करने के लिए जो यहाँ पे ऑप्टेन लिखा हुआ है वहाँ भी वही रहेगा। इसके लिए आपका जो राइट ALT है वो बटन यूज़ करना है। अभी भी कुछ की मैपिंग बचा हुआ है तो उसको मैं बता रहा हूँ, तो ALT को यहाँ पे रख देना है जो आपके राइट साइड में है। इससे आप लोग क्लैश स्क्वाड रैंक में भी जब वेपन को बाय करते हो तो एक ही चीज़ से आपका एकदम फास्ट लेवल का वेपन बाय हो जाएगा। माउस कर्सर से तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा, बट यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मेडिकेट के लिए जब आप लोग एक्स यूज़ करोगे तो सेटअप करते रहोगे मेडिकेट के लिए। ओके, ये मेडिकेट इनहेलर है बट मेडिकेट के लिए मैं बता रहा हूँ। बट जब आप रश करते हो तो इनहेलर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल कि अभी देखो मैं इनहेलर भी यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए 4 है, एक्स नहीं 4 है। जब आप लोग रश करोगे तब 4 से इनहेलर यूज़ करोगे। बस इन सभी को बस प्रैक्टिस करते रहो तो ये सब एकदम ईजी आप लोगों को लगने लगेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कवर लेना, तो इसके लिए जो लेफ्ट ALT मैंने बताया था क्राउच के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कैसे अभी कवर ले रहा हूँ, जब मैं रन कर रहा हूँ और साथ ही यहाँ पे मुझे कवर लेना है तो ALT को टैप करके WADS से मैं फटाफट से कवर ले पा रहा हूँ। तो ये सब कुछ आपके थंब से करना है जिससे आप लोग एकदम अमेजिंग कवर ले पाओगे और विथआउट एनी इशू। तो अब चलते हैं डायरेक्ट ग्लोबल के ऊपर। तो यहाँ पे मैं ग्लोबल के लिए देखो माउस टू जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ तो ये बंदा जो है, अभी रुक जाओ, ये देखो माउस टू मैंने टैप किया तो वैसे ग्लोबल भी सेलेक्ट किया और बंदा बैठ भी गया। तो इससे सीटअप ग्लोबल एकदम अमेजिंग लगेगा। फॉर एग्जांपल अभी देखो मैंने मारा और देखो कितना फास्ट ग्लोबल लगाया, देखा आपने। तो ऐसे करके आप लोग भी एकदम फास्ट लेवल का ग्लोबल भी यूज कर पाओगे। तो बस यही की मैपिंग पूरा फुल्ली है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो जितना भी की मैप है उन सभी की मैप को जब आप लोग यूज करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग अखंड प्रो हो जाओगे। मतलब हार्ड लेवल की प्रैक्टिस की ज़रूरत है बट आप लोग अखंड प्रो बन जाओगे। तो यार बस आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों ने देखा 89%। चलो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ऐसे ही वीडियोस हमेशा पाने के लिए। एंड दूसरे चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में।